हाँ हाँ तो सर, आपका नाम? अबूजर मोहसिन, मैं यूथ एक्शन सोसाइटी को संस्थापक हूँ। अबू जी, यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं? ये मूवमेंट जैसे हमारा ये गोरखपुर में नौका विहार पे सबसे बड़ा सबसे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाने की मांग करते हुए ये कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हुए हैं, और इस सबसे मैं चाहता हूँ कि सब लोग सहमति इस पे दे और ताकि ये एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ें। आपने ये स्थान, ये कौन सा स्थान है? ये नौका विहार, यहाँ गोरखपुर की सबसे खूबसूरत जगह है। अच्छा, से आपने इसी को क्यों चूज़ किया, मतलब नौका विहार को चूज़ करने का कोई खास? क्योंकि हमने एक बार 15 अगस्त 2016 को एक झंडारोहण वहाँ किया था। अच्छा, तो वहाँ के इवेंट जो बहुत ज़्यादा लुक बहुत अच्छे आ रहे थे, तो हमने तभी इसको कहा कि मैं इसको मांग करूँगा प्रशासन से और आला अफसर या लोग हुकूमत से, इसकी मांग करेंगे कि सबसे ऊंचा झंडा यहाँ पे। आपको लगता है कि मतलब ये काफ़ी अच्छी जगह पड़ेगी गोरखपुर के हर्ट को उसको डेवलप करने के पॉइंट, इससे नौका विहार को भी फायदा होगा? तो आपने गोरखपुर महोत्सव को ही ये समय क्यों चुना? आपने गोरखपुर महोत्सव में जैसे आपने अपना ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आप, हमने इस मूवमेंट को यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया कि यहाँ पे काफ़ी शहर के कोने कोने से लोग आज के दिन इकट्ठा होंगे, महोत्सव का लाइट दिन है, तो काफ़ी उत्सुकता भी है लोगों में कि यहाँ पे आकर के इस महोत्सव का आनंद लें, ताकि इस दिन ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए ऐसा यहाँ की ज़्यादा मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ये गॉड क्या है? गॉड ये सारे NGOs को लेके एक प्लेटफॉर्म बनाई हुई है, जिनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, क्योंकि ताकि सारे यूथ मिलेंगे तो बड़ा काम होगा, नया काम होगा, लोगों के अंदर जोश होगा, और ये बहुत अच्छी पहल है गॉड की, और हम मेरी संस्था गॉड के साथ बिल्कुल। अभी गॉड आपको क्या सपोर्ट कर रहा है? इस झंडा के आंदोलन में भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है, और आगे भी हम आशा करता हूँ वो ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे ताकि गोरखपुर में सबसे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा लग सके। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, आपके साथ में आपके मित्र हैं जी। हाँ सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद इजान अहमद है। अच्छा मोहम्मद जी, आप इस मिशन के साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने ही गोरखपुर में अपने भारत का सबसे ऊँचा तिरंगा लहराएगा, तो ऐसा देख के मुझे बहुत गर्व फील होगा। आपको इस बात पे गर्व होगा कि आपके शहर में सबसे ऊंचा तिरंगा है, तो ये चीज़ें मतलब आप इस बात को आप भी सपोर्ट करते हैं कि नौका विहार में ही किया जाना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि नौका विहार हमारे गोरखपुर में सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ लोग ज़्यादा करके इकट्ठा होते हैं और ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा होता है कोई भी इवेंट अगर। और क्या करते हैं बेसिकली आप? बेसिकली अभी इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ हाई स्कूल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किस चैनल पर आएगा ये? यूट्यूब पर।